एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मेघा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, आपके अपने चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का टाइटल और थंबनेल देख के वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आपने यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट किया है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, और अगर आप करना चाहते हैं तो भी हेल्पफुल है, और अगर आप दोनों में इंटरेस्टेड नहीं भी है ना तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आपको इसकी प्रोसेसिंग पता चल जाएगी। तो हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं कि क्या मैंने मेरे सब्सक्राइबर खरीदे हैं, व्यूज़ खरीदे हैं, लाइक्स खरीदे हैं, कमेंट्स खरीदे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, कोई व्यूज़ लाइक सब्सक्राइबर नहीं खरीदे हैं। यूट्यूब इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि मैं खरीद लूँगी और वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, यानी कि उनको पता भी नहीं चलेगा। तो और पहली बात, मुझे सबके बारे में नहीं पता कि इसको कैसे खरीदा जाता है, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। लकीली मेरा चैनल चल गया है और मैंने इतनी मेहनत की है, ये उसका फल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने खरीद लिए इसलिए मुझे एक मेरा चैनल जो है ग्रो कर रहा है। मैंने बहुत मेहनत की है, कभी कभी मुझे 3 से 4 बज जाते थे और मैं सो नहीं पाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। और मैं आपको भी यही चीज़ बोलूँगी, खूब मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत करेंगे आपका चैनल उतनी जल्दी ग्रो करेगा। पूरा अपना 100% नहीं 200% दीजिए अपने YouTube चैनल को। 10 मिनट का या 12 मिनट का वीडियो बनाइए, उस 10-12 मिनट में केवल और केवल आप YouTube के बारे में सोचिए, अदरवाइज बाहर की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, घर की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। 10-15 मिनट अगर आप अपने 24 घंटे में YouTube पे दे रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेकंड, आप लोग पूछते हो कि आप कौन सी मोबाइल से अपना जो वीडियो है वो किस मोबाइल से बनाते हो, मोबाइल से बनाती हो या कैमरा से बनाते हो? तो डियर, मैं मोबाइल से नहीं बनाती हूँ, मैं कैमरे से डियर मैं कैमरे से नहीं बनाती हूँ, मैं मोबाइल से शूट करती हूँ। मेरा मोबाइल MI का है, मुझे नहीं पता कि MI का कौन सा सेट है, बस मुझे इतना पता है कि ये मेरा 7,500 का मोबाइल पड़ा था, MI का सबसे सस्ता मोबाइल पड़ा था मुझे ये, उस टाइम पे आज से 1 साल पुरानी बात है। हाँ, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप किससे एडिटिंग करते हो? तो एडिटिंग वैसे मैं कोई वो नहीं है, बेसिकली मैं एडिटिंग फिल्मोरा या काइनमास्टर से करती हूँ। मतलब कभी कभी फिल्मोरा से कर लेती हूँ, कभी कभी मैं काइनमास्टर से कर लेती हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे फिल्मोरा से करना है या काइनमास्टर से करना है। और हाँ, अगर आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते हो तो आपको एंड में दिख जाएगा कि मेरा फिल्मोरा लिख के आ जाता है, इसीलिए मैं फिल्मोरा से ही करती हूँ। और अगर काइनमास्टर से करती हूँ तो ऊपर काइनमास्टर लिख के आता है। फिर भी लोग क्वेश्चन करते हैं और मैं आंसर भी देती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, लोग बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं कि आपका इतना जल्दी चैनल ग्रो हो रहा है, तो सब कुछ जानना चाहते हैं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा उन लोगों की, मैं सबकी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों की हेल्प करना मेरे लिए मेरा काम है और मैं करूँगी, तो ये हो गया। थर्ड, कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं, थर्ड नहीं, मतलब कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि आपने जर्नी आपकी, तो जर्नी तो वैसे बेसिकली मैं बहुत बाद में बताने वाली थी, बट इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आया कि मुझे बताना पड़ रहा है, बट मैं फिर भी बाद में ही जर्नी बताऊंगी। बस मैं ये बताऊंगी मैंने स्टार्ट कैसे किया, कब स्टार्ट किया, मुझे कितने जल्दी रिजल्ट मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले दिसंबर में दिसंबर स्टार्टिंग 2018 की बात है ये, तो स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में आया कि मुझे यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट करना है। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा टैलेंट है, अगर आपका बात करने का तरीका अच्छा है, फिर आपको डरने की बात नहीं है, आप करिए उस पर काम, और काम करेंगे तो रिजल्ट भी मिलेगा जिस तरीके से मुझे मिला है। तो दिसंबर स्टार्टिंग में मैंने इनको बोला कि मुझे ट्राईपॉड चाहिए और एक स्टिकर चाहिए, तो इन्होंने तुरंत ऑर्डर कर दिया। इन्होंने एक बार ठीक है कर, अगर तुम करना चाहती हो तो मैं कर ही दे रहा हूँ, तो उन्होंने दोनों चीज़ें ऑर्डर की, तो वो मुझे 1 वीक बाद मिली। मैं कभी भी अगर ऑनलाइन कुछ भी शॉपिंग करती हूँ तो मुझे 1 वीक में मिलता है, तो मुझे 1 वीक बाद मिला। फिर हम लोग बाहर चले गए, फिर लास्ट दिसंबर में, मतलब दिसंबर के लास्ट में मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो डाला था, जो था ओलिविया का पेन स्टिक का रिव्यू था एक तरीके से, तो मैंने वो वाला वीडियो डाला, मेरा नहीं चला, 2-3 वीडियो और डाले मेरा नहीं चला। फिर मेरा इंट्रो वीडियो था,
वो मैंने प्रिया दीदी को डीएम किया, उन्होंने लक की ली, या फिर वो इतनी स्वीट इतनी अच्छी हैं यार, मतलब उन्होंने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है, मैं उसके लिए लाइफ टाइम शुक्रगुजार हूँ। आज मैं जहाँ पे भी हूँ उनका उनका क्रेडिट है इस चीज़ में कि उनकी वजह से ही मैं इतने जल्दी ग्रो कर पाई हूँ, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। और देन मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने मेरा कम्युनिटी में शेयर किया, उस पर मुझे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, फिर भी 500-700 व्यूज़ अगर मिल गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस इंसान के 30 से 60 व्यूज़ के ऊपर नहीं जाते थे, उसको 500-700 व्यूज़ मिल जाते हैं तो वीडियो लगता है जैसे वायरल हो गया है। तो फिर मेरा वीडियो चल गया वो वाला, तो फिर उसके बाद मुझे व्यूज़ फिर वही के वही हो गए, मुझे व्यूज़ ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते थे, 200-250, 200-250। देन उसके बाद मैंने प्रिया दीदी का इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट किया, और मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि आज भी मैं बोलूँगी कि मेरा वही वाला वीडियो चला है और लाइफ टाइम मुझे याद भी रहेगा, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मैंने उनका इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट किया और उनका ही वाला मेरा वीडियो चला है, ताकि मुझे लाइफ टाइम अगर मैं भूलने की भी कोशिश करूँ तो नहीं भूल पाऊँगी। तो फिर उनका वीडियो मेरा चला, उसके बाद मेरे 1K हो गए थे, फिर धीरे धीरे मेरा बॉस टाइम फिल हुआ, मेरा मोनेटाइजेशन के लिए चला गया। मोनेटाइजेशन के बाद जाने के बाद जब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, तो मैंने लोगों से पूछा कि मैं क्या ब्लॉग वीडियो बना सकती हूँ, और मुझे नहीं पता था कि लोगों को मेरी कुकिंग, मेरे ब्लॉग वीडियो इतनी पसंद आएंगे, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो पहले ही मैं ब्लॉग वीडियो शूट करने लगती, क्योंकि ब्लॉग वीडियो में ये हो जाता है कि आप अपना काम करते जाते हो और साथ में आपका वीडियो भी बनता जाता है, बस आपको एडिटिंग में थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो मुझे नहीं लगता कि मेहनत करने में कोई वो है, मैं रात में मेहनत करती थी, 2-2, 3-3 बजे तक मैं एडिटिंग करती थी, इसीलिए आज भी मेरा नाइट में ही वीडियो जाता है। कभी कभी मैं एडिटिंग लेट कर पाती हूँ तो कभी कभी 12:30 या 1 भी बज जाते हैं वीडियो को जाते जाते। तो वही है, कोशिश करती हूँ, फुल ऑन कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा मेरा जो वीडियो है वो जल्द से जल्द चला जाए और पर डे जाए, पर नहीं हो पाता है। और किसी लोगों ने किस कुछ लोगों ने बोला था आप कैसे मैनेज करते हो, तो मैनेज को मैं बोलूं कि मैं रात में 3 से 4 बजे सोती हूँ और 9 या 10 बजे उठती हूँ सुबह। जब उठती हूँ चाय नाश्ता साथ में ही कर लेती हूँ, अगर हम लोगों का रात का खाना पड़ा होता है तो वो हम लोग सुबह खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें ताज़ा ही चाहिए यानी तुरंत ही बना चाहिए, खा लेते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है ना, तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है आपको, आपकी प्रॉब्लम्स को। तो बस ये तो मैनेज करने का, तो मैं कभी और बताऊंगी, मैं ब्लॉग व्लॉग में बता दूंगी कैसे मैनेज करती हूँ, या फिर फुल ऑन फुल डे का ब्लॉग बनाऊंगी तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने ऐसे स्टार्ट किया और आज मैं मेरा जो वीडियो है वो चल गया है, अच्छा खासा व्यूज़ आ जाता है उस पर, और माता रानी करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आप किसी का चैनल प्रमोट क्यों नहीं कर रही हो, मुझे दिन भर में 10 से 12 DM भी आते हैं कि आप हमारा चैनल कम्युनिटी में डाल दो। तो जिस दिन मुझे कम्युनिटी मिली थी उसके सेकंड दिन मैंने, मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरी स्टाइल विथ मोना, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मुझे यूट्यूब के ज़रिए ही मिली थी, बट नेचर वाइज वो बहुत अच्छी हैं, इसीलिए मैंने उनका चैनल को कम्युनिटी में डाला। देन उसके बाद मैंने एक और लाइफ इन आर्ट करके था उनका डाला, उस पर मुझे काफ़ी सारी नेगेटिव कमेंट आने लगे, लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे बोला आप किसी का चैनल प्रमोट मत करना, नहीं तो हम आपको देखेंगे नहीं, अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो डियर मैं, आप ये बताइए कि अगर मेरे ही सब्सक्राइबर मुझे ऐसा बोले मुझे बुरा नहीं लगेगा? बुरा भी लगा, साथ में मैंने सोचा अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं चाहते कि मैं किसी का चैनल प्रमोट करूँ तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, अगर अभी से मेरे सब्सक्राइबर मुझसे कट जाएंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। सेकंड, जब मेरा 2 दिन बाद मुझे 28 तारीख को एक मेल आया यूट्यूब की तरफ से कि आप अपनी कम्युनिटी पे किसी का भी दूसरी आईडी का लिंक नहीं डाल सकते हो अपनी कम्युनिटी में, तो फिर मैंने फिर सोच लिया कि और नहीं तो आपका यूट्यूब आपको बॉन्ड भी नहीं करेगा, सीधा आपका चैनल हटा देगा। तो फिर मैंने इसीलिए अपने चैनल पे किसी का वीडियो शेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। हेल्प मैं भी करना चाहती हूँ बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। सेकंड, कि अगर मैं नाम लूँगी भी तो किस किस के नाम लूँगी? एक जन का नाम नहीं लेना होता है, बहुत सारे लोगों का नाम लेना होता है, इतने सारे लोगों का नाम लेने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मैं नाम नहीं लेती हूँ। और अभी भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी चाहते हैं कि मैं उनके नाम लूँ, लेकिन मैं नहीं नाम ले पा रही हूँ, जो जो जिनके बर्थडे या एनिवर्सरीज हैं मैं उनके नाम ले सकती हूँ।
कम से कम दिन भर में 50 नाम होते हैं। अगर मैं 50 नाम लेने के लिए बैठ गई तो मेरे कुछ नहीं तो 8 मिनट निकल जाएगा। उस 8 मिनट में मैं आपको कुछ सिखा दूंगी, कुछ बता दूंगी। तो इसीलिए जब भी मैं लाइव आऊंगी तो पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबके नाम मैं ले सकूं। और क्या बोलते, फिर उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल का इसी तरीके से हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा मोबाइल MI का है, फिल्मोरा या काइन मास्टर से मैं एडिटिंग करती हूँ, और जस्ट मेरा एक ट्राईपॉड है जो कि 399 रुपीज़ का या 299 रुपीज़ का आया था, और मैं ऐसे ही शूट करती हूँ। मैंने कोई ज़्यादा तामझाम नहीं किया है। आपको भी बोलूँगी कि पहले आप स्टार्ट कीजिए, अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए। और हाँ, अभी मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ है, अर्निंग नहीं आई है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है मेरी अर्निंग आने लगी है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर या व्यूज़ देख के ओनली अभी मुझे 3 मंथ्स हुए हैं। इसीलिए मैंने जो मेरा चैनल का नेचुरल ब्यूटी टिप्स नाम था उसको बदल के मैंने रख दिया है मिसकास फैमिली चैनल, क्योंकि अभी मुझे 90 डेज हुए हैं और इसमें यही रूल्स होता है कि आप 90 डेज तक अपना चेंज नहीं कर सकते हो चैनल का नाम। तो इसीलिए मुझे अभी 3 ही महीने हुए हैं, तो अभी ओनली मेरा चैनल वहाँ से मोनिटाइजेशन का आया है। अभी तक मेरा ना वहाँ पे अकाउंट गया है, ना अभी तक मुझे वहाँ से कोई पिन नंबर मिला है। तो अभी मेरी ऐसी प्रोसेसिंग है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे चैनल मेरा क्रिएट किया, क्या है, और आपके जो क्वेश्चन है मैंने उनके आंसर बहुत अच्छे से दिए होंगे। क्योंकि मेरा ज़्यादा तामझाम नहीं है, मेरी बहुत लंबी जर्नी नहीं है, छोटी सी जर्नी है, इसीलिए मैंने आपको छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश की है। और हाँ, आज किसी का बर्थडे है तो मैं उनको विश कर दूँ। सबसे पहले श्रेया, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। आई होप आपको लाइफ की सारी खुशियाँ मिलें। मेरी दुआ है ईश्वर से कि आपको लाइफ की सारी खुशियाँ मिलें, आप खूब खुश रहो, खूब की करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। दूसरी है रूबीना, तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, लव यू सो मच, एंड ईश्वर आपको सारी आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करे। ईश्वर आपको खूब तरक्की दे, माँ बाप का नाम रोशन करो, हमारा भी थोड़ा बहुत नाम रोशन करो। तो आई होप आप लोगों के जिनके बर्थडे थे मैंने उनके नाम ले लिए हैं, जिनकी नहीं है तो प्लीज़ मुझे कल बता दीजिए, जिसका कल होगा तो मैं कल जरूर नाम लूँगी। मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।